हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको रेड वेलवेट मफिन सिखाने जा रही हूँ विद द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इन इट। क्यों हमारा रेड वेलवेट केक या मफिन बाकी स्पॉन्ज से डिफरेंट रहता है, वही मैं आपको इसमें आज बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट लिख दिए हैं, नाम भी लिख दिए हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। यहाँ मैंने लिया है बटर एंड ऑयल, मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है। आप चाहे तो सिर्फ बटर या सिर्फ ऑयल से बना सकते हैं। कोको पाउडर, मैदा, चीज़ क्रीम, यही हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है दोस्तों। इसी से हमें बाजार के जैसा टेस्ट आएगा। ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी ये रेसिपी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। ये है पाउडर शुगर, कंडेंस मिल्क, ट्रोपोलाइट का रेड कलर, वेनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड मिल्क। सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में बटर एंड ऑयल ले लेते हैं। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। इसे हमें एक हैंड विस्कर मैन्युअली करिए, चाहे आपके पास इस तरह से ब्लेंडर हो तो आप उसे भी कर सकते हैं। इसे अच्छा फ्लफी होने तक, सॉफ्ट होने तक हमें इसे मिस्क करना है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर और इसे भी हम एक बार मिक्स कर लेंगे। ये चीज़ करने में मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस। इसके बाद हम डालेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट चीज़ क्रीम। मैंने यहाँ पर डेलेक्टा ब्रांड का चीज़ क्रीम लिया है। आपके पास अगर डेलेक्टा ब्रांड का चीज़ क्रीम ना हो तो आप अमूल का चीज़ क्रीम भी ले सकते हैं। चीज़ स्प्रेड मत डालिएगा। इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। चीज़ क्रीम बैटर में डालने से ही हमें बाजार का टेस्ट आता है, यही एक डिफरेंस है बाकी मफिन से। अब हम मैं एक सीव ले रही हूँ, उसमें मैं मैदा डाल रही हूँ और कोको पाउडर डाल रहे हैं। कोको पाउडर मैंने यहाँ डार्क लिया है, आप चाहे तो लाइट कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं डालूँगी यहाँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। हमें एक सीव की मदद से ही हमें इसे सीव करना है दोस्तों। सीव करना मत भूलिएगा, इससे एरिएशन होता है, जिससे कि मफिन्स या आप केक बना रहे हो तो वो स्पॉन्जीनेस आता है उसमें। मैं इधर 3 बैचेस में से सीव कर रही हूँ यहाँ पर। एक साथ सीव कर देंगे तो दोस्तों लम्स मिक्स करने टाइम लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह हमें कट एंड फोल्ड मेथड में ऐसे मिक्स करना है सारा। अब यहाँ पर मैं मिल्क डाल रही हूँ। मैदा आपका पुराना होगा तो मिल्क ज़्यादा लेगा, नया होगा तो कम लेगा। अब मैं यहाँ ट्रोपोलाइट का जेल कलर डाल रही हूँ। आपके पास कोई और ब्रांड हो तो आप वो ब्रांड का भी डाल सकते हैं। ये देखिए, आप लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारा बैटर का होना चाहिए दोस्तों, मफिन बैटर का। अब मैं इसे आपको कटोरी में बनाना सिखा रही हूँ। आपके पास मफिन मोल्ड हो तो आप उसमें बना सकते हैं। मेरे पास मफिन के शेप में ये कटोरी है। इसे मैं बटर से ग्रीस कर दूंगी और मैदा से डस्ट कर लूंगी। ये देखिए, अब मैं इसमें मोल्ड को फिल करना है। मैं इसको आप हाफ फिल करिएगा, अगर हाफ से ज़्यादा करेंगे तो बेकिंग करते टाइम वो ओवरफ्लो हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ बेकिंग 2 मेथड में सिखा रही हूँ आज। कुकर में भी सिखा रही हूँ और एयर फ्रायर में। कुकर को मैंने प्री हीट के लिए रख दिया है 10 मिनट्स के लिए एकदम सिम आँच पर, और एयर फ्रायर को मैंने 160 डिग्री पर एकदम
10 मिनट्स के लिए प्रीहीट पे रख दिया है। आप सेम डिग्री फॉलो कर सकते हैं, टाइमिंग एंड डिग्री इन ओटीजी एंड माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड। इस तरह से हमें 2-3 बार टैप कर लेना है ताकि वो लेवल अप हो जाए। अब हम कुकर प्रीहीट हो चुका है, इसमें मैंने एक प्याला रख दिया है। नीचे आप चाहे तो सॉल्ट लगा सकते हैं। अब मैं ऊपर एक प्लेट रखी हूँ, इसके ऊपर हमें ये दोनों कप्स रखने हैं। इसका लिड कवर करना है, बट याद रखिएगा कि हमें लिड का रिंग निकाल देना है और विसल निकाल देना है। इसे हमें स्लो फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। 20 मिनट्स में आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा नाइफ या टूथपिक की मदद से। एयर फ्रायर को भी मैंने प्रीहीट कर लिया था, अब मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे 160 डिग्री पे आपको 15 मिनट्स तक बेक करना है। 10 मिनट्स में एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा मफिन्स रेडी हो चुका है। मैंने कुकर में भी बनाया है, एयर फ्रायर में भी बनाया है। आप सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं ओटीजी में और कन्वेक्शन मोड माइक्रोवेव में भी, सेम ही रिजल्ट आता है। और हमारा मफिन्स बहुत ही अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट भी बना है। इस तरह से आप बीच में चेक कर लीजिएगा, अगर आपका नाइफ या टूथपिक इस तरह से क्लीन निकली तो समझ लीजिएगा आपका बेकिंग हो चुका है। दोस्तों, आपको मेरी ये यूनिक सीक्रेट इंग्रेडिएंट वाली रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। शेयर करेंगे तो आगे के लोग भी जान पाएंगे कि रेड वेलवेट में और वेनीला को चॉकलेट में क्या डिफरेंस होता है। प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बाय फॉर नाउ, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।